श्री रामकृष्ण सेवा संघ द्वारा आज विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल परिसर में कल्पतरु उत्सव मनाया गया। ऐसी मान्यता है कि कल्पतरु वृक्ष के नीचे बैठकर ही श्री रामकृष्ण देव ईश्वर के रूप में अवतरित हुए थे और अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया था। इसके बाद से ही हर साल के पहले तारीख को श्री रामकृष्ण देव की पूजा होती है और साल के पहले रविवार को कल्पतरु उत्सव मनाया जाता है। जो पौष माह होता है, अब हम लोग तो आजकल जनवरी कहते हैं, तो पौष महीने में विक्रम संवत 1 तारीख को ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण देव ऐसा कल्पतरु वृक्ष के नीचे ईश्वर का रूप लिए थे और उन्होंने कहा था आज के दिन जो भी भक्त हमारा स्मरण करता है उनके लिए मैं आज देव रूप में हूँ। तब से ये परंपरा चल रही है और हर वर्ष परंपरा के अनुरूप हमारे विद्यालय में प्रथम रविवार को, जो वर्ष का प्रथम रविवार होता है, पूजन तो 1 जनवरी को ही होती है, उसका उत्सव प्रथम रविवार को मनाया जाता है और इसमें सुबह मंगल आरती होती है, हवन होता है, कल्पतरु पूजा होता है और आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज एकादशी भी है, सफला एकादशी है, तो आज सफला एकादशी की भी पूजा 11 बजे होगी। उसके उपरांत भोग, जो खिचड़ी है, बहुत अनेकों प्रकार के जो भोग हैं वो भक्तगण खाते हैं। 500-700 लोग आते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं और सभी भक्तजन इसमें हर्षोल्लास के साथ कल्पतरु उत्सव में श्री रामकृष्ण देव, स्वामी विवेकानंद एवं माँ शारदा का पूजा अनुष्ठान होता है। यही हमारा ये परंपरा है, ये चल रही है, तब से ये चलना है और आगे ये एक ऐसा भी हमारा उद्देश्य होता है कि स्वामी विवेकानंद के विचारों का, श्री रामकृष्ण देव के विचारों का, इसे हम लोग आगे जितना बढ़ा पाएँ वो हमारा एक संस्था का एक उद्देश्य है। और ये आपको साउथ अफ्रीका से ही मिलता है और इधर इंडिया में बहुत 9 जगह है, 3 यहाँ पर है आपको, मैं 9 ही पेड़ हैं इंडिया में, 3 जो आपको डोरंडा में मिलेंगे, फिर ऐसे गोलकुंडा, ऐसे कई जगह जाए आपको रामकृष्ण मिशन जो काशीपुर में है वहाँ पर एक पेड़ मिलेगा जहाँ पर ये कल्पतरु हुए थे हमारे रामकृष्ण गुरु जो है। अच्छा, ये पेड़ आप लोग के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हाँ, ये रामकृष्ण जी जो है ना, वो इसी पेड़ के नीचे वो भगवान का रूप धारण कर उन्होंने अपने जो लोगों को आशीर्वाद दिया था, आशीर्वचन दिया था, और इसीलिए उनको मतलब कि ये हम लोग 1 तारीख को उस दिन वो उस रूप धारण किए थे, इसलिए 1 तारीख को हम लोग कल्पतरु उत्सव मनाते हैं, लेकिन ये मठ में मनाया जाता है और हम लोग जो है इसको पहला सप्ताह के जो संडे आता है, रविवार आता है, उस दिन हम लोग मनाते हैं। तो उस दिन हम लोग ये यहाँ भी पूजा करते हैं, उनका भी पूजा करते हैं और सबको भोग वितरण करते हैं। सर, ये एक कल्चर है कि हर नए साल के पहला संडे जो होता है रविवार, उसे एक कल्पतरु वृक्ष होता है जिसकी पूजा बंगाल में की जाती थी और ये सारे अभी एक धार्मिक रूप लेकर के ये जितने भी रामकृष्ण आश्रम हैं जितने ऑल ओवर इंडिया में, सब फर्स्ट संडे को, साल के पहला रविवार को ये लोग गरीबों को भोजन कराते हैं और अपने मेंबर्स भी जमा हो करके वनभोज के तरह, हालांकि ये इसमें उस कल्पतरु पेड़ की पूजा होती है जो दुर्लभ वृक्ष है और उसकी साफ सफाई और उसका पूजा करके हमारे कैंपस में ये है। हालांकि ये अब रांची में लगभग दुर्लभ पेड़ हो चुके हैं, 1-2 डोरंडा में थे जो रोड कंस्ट्रक्शन में उसको रोका गया है, लेकिन इसी वृक्ष के आसपास अराउंड ये कल्चर शुरू हुई थी और ये भक्तगण जो रामकृष्ण आश्रम से जुड़े भक्तगण होते हैं वो इसको शुरुआत किया था और वो अब एक कल्चर सा बन गया ऑल ओवर इंडिया में कि जहाँ भी रामकृष्ण आश्रम होगा वो आज कल्पतरु उत्सव मनाते हैं। शुभ नाम आपका सर? मैं SP सिंह, प्रभारी प्रचार्ज ऑफ विवेकानंद विद्या मंदिर। The followup.in, like, share and subscribe.